डी कानपुर, मैं शिवम गुप्ता। तो आप लोग पहचान ही गए होंगे हम लोग किस लिए आए हैं। यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया। ओके, तो हम लोग इसका सिलेबस, इसका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चंस कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जामिया, जो हम आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी है और वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वहाँ का प्लेसमेंट जो है वो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट एनरोल होते हैं उनमें से लगभग 80% से 90% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। मतलब इसका ये है कि 80 से 90 क्यों होता है, आप कहते हैं कि 10% कहाँ गया अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो 10% वहाँ प्लेसमेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्लेसमेंट लेते ही नहीं है या फिर वो किसी और चीज की तैयारी के लिए वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं एमसीए की वहाँ पे मतलब पढ़ रहे हैं और वहां से क्या हुआ कि वो सिविल की भी तैयारी करने लगे। ओके, तो इस टाइप से कुछ स्टूडेंट होते हैं उनका प्लेसमेंट नहीं होता, बाकी अदरवाइज हर स्टूडेंट का वहां पे प्लेसमेंट होता है और लगभग एक स्टूडेंट के पास दो जॉब्स होती हैं, तीन जॉब्स भी होती हैं। मतलब आपके पास बहुत ज्यादा चांसेज है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टाइप की। दूसरी बात हम आपको बता दें कि वहां की लाइब्रेरी जो है वो डीयू और जेएनयू के बाद में तीसरे नंबर की लाइब्रेरी है जो कि फुल्ली डिजिटल लाइब्रेरी है। आप जाकर के सिस्टम पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के आप पढ़ सकते हैं, कोई वहां पे इशू नहीं है रोकने टोकने का। 2 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती है और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके पड़ोस में बिल्कुल वहां पर रीडिंग हॉल बना हुआ है, वो भी फुल एसी। ठीक है, तो आप वहां पर भी जाकर के बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं जितना भी पढ़ना चाहें। ओके, तो आप एक मतलब एक हम ये बताने का तरीका ये इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि वहां पर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे वाकई आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पे लाइब्रेरी ही नहीं होती है या कुछ चीजें नहीं होती हैं, बट वहां पे नहीं है। ओके, तो ये तो रहा वहां का इंट्रोडक्शन। और वहां पे दूसरी बात बता दें कि जो हमारे हिंदू भाई लोग यहाँ पर सोचते हैं कि वहां पर मुस्लिम का माहौल है, तो ऐसा भी कोई माहौल नहीं है, अच्छे लोग होते हैं और हमसे ज्यादा अच्छे लोग होते हैं वो लोग। ठीक है, और ज्यादा केयर करते हैं, ज्यादा चीजें अच्छी होती हैं। दूसरी बात, अगर सीट के मामले में बात करें तो वहां पर जो सीट है वो 50-50% रिजर्व है। 50% सीट हिंदू के लिए है, 50% सीट मुस्लिम के लिए है और वहां पर बिल्कुल अलग अलग सीटें डिवाइडेड है। कोई भी वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई भी इंटरफेयर किसी दूसरे की सीट में हो। ओके, और दूसरी बात हम आपको बताएं कि वहां पर रिजर्वेशन कोटा आपका नहीं चलता है। जनरल कैंडिडेट मतलब हिंदू कैंडिडेट के लिए वहां पर ऐसा नहीं होता है कि आप ओबीसी हैं या एसटी हैं या एससी हैं तो इस टाइप से आ जाए। ओके, वहां पर सारे जो है वो आपके जनरल कोटा ही होता है। ठीक है, तो मुस्लिम के लिए वहां पर क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। वहां पर सारी चीजें जो भी हैं वो आपके लिए ओबीसी कोटा, माइनॉरिटी कोटा और ये सारे कोटा चलते हैं, तो आप उसका एग्जाम जरूर दें। दोनों के लिए अच्छा है, बेस्ट है, बहुत ही अच्छा प्लेस है। ठीक है, मिलकर एक मतलब वहां पर अगर देखा जाए तो जामिया में हम लोग इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे मिलजुल के भी लोग रह सकते हैं, जो कि हमारे अदर जगहों पर पॉलिटिशियंस लोग कौन कौन सी चीजें फैलाते रहते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल है। ठीक है, बिल्कुल भाईचारे का माहौल है और वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी पॉलिटिक्स का इफेक्ट नहीं है, अच्छे से वहां पे सब लोग रहते हैं। ओके, तो ये तो हुआ वहां का इंट्रोडक्शन। इसके बाद में अगर देखें तो जामिया का जो पेपर आता है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 100 मार्क के क्वेश्चन में होता क्या है कि 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होते हैं और जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर के होते हैं। ठीक है, तो जो 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं वो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसा कि 2 साल के पेपर्स में हमने देखा। और हमने आपको 2 साल के पेपर्स भी प्रोवाइड करवा दिए हैं पीडीएफ में और साइट पे भी, दोनों जगह www.aspirestudy.in खोलेंगे वहां पर आपको 2 साल के पेपर मिल जाएंगे, 2016 का भी और 17 का भी ओरिजिनल पेपर। ओके, तो आप पेपर भी देख सकते हैं, साइट का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर और आगे अगर बढ़े तो 50 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो मैथमेटिक्स के सेक्शन से आते हैं। तो कहाँ से आते हैं इस बात को समझें, तो आपका जो पहला रहता है वो सेट रिलेशन फंक्शन रहता है। ठीक है, पहला टॉपिक आपका है सेट रिलेशन फंक्शन, तो इससे मोस्टली 5 क्वेश्चन आते हैं। जामिया की एक और खास बात है, अभी तक जो पेपर का पैटर्न देखा गया है, जो हमने एनालिसिस किया है, वो ये किया है कि वो लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर के कंटिन्यूअसली क्वेश्चन रखते हैं। जैसे उन्होंने सेट रिलेशन फंक्शन उठाया तो 5 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली, उन्होंने अगर डिफरेंशिएशन उठाया तो 5 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएशन के, अगर उन्होंने चैप्टर लिमिट उठाया
तो 5 क्वेश्चन लिमिट के कंटिन्यूसली इस टाइप से करते हैं, बट ये श्योर नहीं है कि इस बार भी ऐसा हो जाएगा। ये बिल्कुल मैं आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि फिर से ऐसा ही हो जाए। ये 2 साल से हुआ है लेकिन जरूरी नहीं इस बार हो, क्योंकि ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। जिसको पेपर बनाने को दिया गया उसको साथ में सिलेबस दिया जाता है, अब वो सिलेबस से किस टाइप का, हर चैप्टर का 1 क्वेश्चन रखता है, 1 के 5 रखता है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो अभी तक है, ठीक है, तो सेट रिलेशन फंक्शन के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, लेकिन अगर 5 नहीं तो 1 या 2 तो पूछे जाएंगे। ऐसे ही अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो ये भी, इसके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2, ठीक है, मिनिमम है। मतलब हर जो यहाँ पर हमने टॉपिक लिखा है सबसे 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने हैं, हो सकता है ज्यादा आ जाए, 5-5 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर जितने भी यहाँ पर लिखे हुए, डिटरमिनेंट, स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लीनियर इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैथमेटिकल इंडक्शन, तो ये सारे चैप्टर आप मैथमेटिक्स के हमारे वीडियो से पढ़ लेंगे। यूट्यूब पे सबके वीडियोज अवेलेबल है, सेट रिलेशन फंक्शन का मेरा अवेलेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल है, मैथमेटिकल इंडक्शन तो आप जानते ही क्या होता है, वैल्यू रखनी पड़ती है, n की n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 पुट करके आंसर लाना होता है। लीनियर इक्वेशन का वीडियो अवेलेबल है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अवेलेबल है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, अनअकैडमी पे मिलेगा। आप अनअकैडमी पे JMS के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज के अवेलेबल है, APG PHP के, स्ट्रेट लाइन अवेलेबल है, डिटर्मिनेंट का अवेलेबल अनअकैडमी पे है, अनअकैडमी पे मिलेगा, लिमिट के अवेलेबल है, डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो सारे हैं जो भी आपके मैथ के हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, वेक्टर भी है। बात आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो कंप्यूटर अवेयरनेस में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, बस इतना सा याद रखना है कि आप बेसिक चीजें पढ़ लें। बेसिक चीजें मतलब ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, किसी बेस को कन्वर्ट करना, और जो जनरल नॉलेज चीजें हैं, जनरल नॉलेज चीजें जो इस समय पे करंट पे टेक्नोलॉजी चल रही है हमारी, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में अगर थोड़ी सी बात करें तो नेटवर्किंग में आपको IP एड्रेस भी पढ़ लें, क्लास ए का कौन सा है, क्लास बी का कौन सा है, क्लास सी का कौन सा है, ठीक है, इस टाइप से भी वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ में आप बाइनरी नंबर फंक्शन पढ़ लें, कितने फंक्शन बन सकते हैं बाइनरी, अगर 3 वेरिएबल है या 4 वेरिएबल है, ठीक है, रेंज क्या क्या होती है साइंड इंटीजर अनसाइंड इंटीजर की, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लें। मतलब आप निमसेट वाले ही हमारे कंप्यूटर के वीडियोस देख लें, आपका इनफ है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीक्वेंस सीरीज है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा कोई टफ कोई चीज नहीं पूछी जाती है। जनरल इंग्लिश की बात करें तो आप इसमें क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे आपको जितने भी आ रहे हो 2-4-5 आप क्वेश्चन कर लें, ज्यादा कोशिश ना करें क्वेश्चन करने की, क्योंकि हो सकता है कि आपको वहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। ओके, तो इतना ही है इस सिलेबस में, आपको सारी चीजें यहाँ पर याद रखनी है। साथ में आप अगर 65 से 70 क्वेश्चन के बीच में करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा कोई पढ़ने का इशू नहीं है। दूसरी बात हम आपको बता दें कि आप हमारे वीडियोस से पढ़ लें, और अनअकैडमी पे आज से हम नया कोर्स शुरू करेंगे जिसमें हम मेनली जामिया के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अलग अलग करेंगे, लिमिट है, फिर फंक्शन है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंसिबिलिटी है, डिफरेंसिएशन है, ऐसे अलग अलग कोर्सेज होंगे, और सभी कोर्सेज हम 4 दिन में कम्प्लीट करेंगे, जो भी 4-5 कोर्स हो जाएंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लें, कोई भी क्वेश्चन आप ना छोड़े, अनअकैडमी पे जरूर आप जरूर देख लें। पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 लेसन में, भाई वहां पे आपको पता हो गया होगा पैटर्न, इतना सारा अनअकैडमी पे हमने आपको पढ़ाया है कि वहां पे एक कोर्स होता है, कोर्स के अंदर लेसन होते हैं, ठीक है, तो अगर कोर्स हम लोग डालेंगे तो 3 या 4 कोर्स डालेंगे, ठीक है, लिमिट, डिफरेंसिएशन, फंक्शन, ऐसे करके डालेंगे। फिर उसके अंदर जो कोर्स लेसन होंगे उन लेसन में क्या होगा, जैसे पहला लेसन हमने लिया तो पहले लेसन में हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद दूसरे लेसन में जामिया के पिछले साल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर तीसरे लेसन से नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने की प्रोबेबिलिटी है, जो आ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, तो हर लेसन में हम लोग हर कोर्स में यही करेंगे कि पहले में जामिया के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो पहले 2 लेसन 3 लेसन जितने में आ जाएंगे, भाई ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो ज्यादा में आएंगे, तो वो पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पूछे जा सकते हैं आपके जामिया में। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो पिछली साल 2017 में हमारी टेस्ट सीरीज से जामिया में 63 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, ये वहां पर सभी ने जाना, और आप ही लोग जानते भी होंगे जो पिछली साल से जुड़े हैं कि जामिया में 63 क्वेश्चन हमारी ही टेस्ट सीरीज से आ गए थे, ठीक है, तो इस बार भी प्रोबेबिलिटी ये है कि आ सकते हैं, क्योंकि हमने वहां पर
सारी चीजें देखी हुई है, पेपर को एनालिसिस किया है, देखा है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर बहुत सिंपल आता है, आपको 60 से 65 क्वेश्चन करने होते हैं, आपको सेकंड राउंड में मिल जाएगा। अगर आप सिक्योर सिलेक्शन चाहते हैं बिल्कुल, तो आप 70 से 75 क्वेश्चन कर दें, आपका सिलेक्शन बिल्कुल सिक्योर है, कहीं भी कोई डाउट नहीं है, कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये तो बात हमारी हुई जामिया की। आगे वाले दिनों में हम लोग पुणे के बारे में बात करेंगे और डी यू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, आपको पुणे की तैयारी कैसी करनी है। तो थोड़ी सी हम हिंट दे देते हैं कि पुणे का जो क्रैश कोर्स है वो हमारा 6 मई से स्टार्ट होगा, सॉरी 6 जून से स्टार्ट होगा, और फिर हम लोग वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो 6 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले जामिया का कवर कर ले 5 तक 4 तक, और फिर उसके बाद में हम लोग वो देखेंगे, ओके। तो इतनी सारी चीजें हैं, आप फिर से बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी आप अन अकेडमी पे देखना ना भूलें, प्रोबेबिलिटी है नहीं इसके सिलेबस में तो प्रोबेबिलिटी ना देखें अभी, ठीक है। लेकिन जो हमारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, वो सारे चैप्टर आपको कोनिक सेक्शन नहीं देखना है क्योंकि इसमें है नहीं। उसके अलावा सेट रिलेशन फंक्शन जो है वो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अन अकेडमी पे पड़े हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन देख लें, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप ये सारे देख लीजिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट तो यहाँ करते ही करते हैं, आप कमेंट भी करिए, और अन अकेडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई भी आपके पास घबराने की बात नहीं है, ओके। तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए, आप अच्छा करें, बहुत ही बेहतर करें, और एक नई मिसाल कायम करें कि एस्पायर स्टडी की ऑनलाइन स्टडी से, 5 दिन की स्टडी से मैंने ये काम किया। जैसे आपने देखा होगा कि यूपीटीयू का रिजल्ट आया, तो एक जो हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स ने 1 महीने पहले ज्वाइन किया था, केवल और केवल मई में, मतलब अप्रैल में ज्वाइन किया था, और उसने 16वीं रैंक यूपीटीयू में गेन की है क्रैश कोर्स से, ठीक है। तो वो काफी खुश थी, हमने उससे बात भी की है, निमसेट का रिजल्ट आने वाला है, अभी पता चलेगा क्या होता है, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि निमसेट में भी एक ऐसा रिजल्ट होगा जो बिल्कुल यूनिक होगा, और आप लोग अच्छी सी मिसाल देते हैं, और आप बताते हैं हमें फोन करके, अब आप कहते हैं सर मेरी इतनी रैंक आई है, और ये सब केवल और केवल एस्पायर स्टडी की मेहनत, उनकी टीम की मेहनत जो भी है वो सब उस पर डिपेंड कर रही है, ओके। तो आप लोग हमें क्रेडिट देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें, 5 दिन जी जान से लग जाएं, और कोई भी समस्या होती है तो हमें बताएं, ओके। तो अन अकेडमी पे आप जरूर देख लें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सेट रिलेशन फंक्शन, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, ये टॉपिक आप जरूर देख लें, ओके। थैंक यू।